करनाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां किसानों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर यहां किसान उतरे। शरा यहां पर जिस तरीके से, आपको ये भी जानकारी दे दे कि काफी समय से किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की कुछ मांगे हैं जिसे लेकर किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि जो फसल उनकी तबाह हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांग यहां किसानों ने सरकार पर, और साथ ही यहां पर आरोप भी लगाया उन्होंने और कहा कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी करती है। हर बार कुछ इसी तरीके से जो पूरा प्रकरण है वो सामने आता है। किसानों की फसलें तबाह होती है और सरकार उन्हें आश्वासन देती है लेकिन होता कुछ नहीं। वादा खिलाफी का आरोप यहाँ पर किसानों ने लगाया और साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे वोटों से एक खट्टर सरकार बनी और आज इस खट्टर के गढ़ में एक किसान उतरे हैं। तो खट्टर सरकार यह ध्यान रखे किसानों को कमजोर रखने की जरूरत नहीं है। जो मांगे केंद्र सरकार ने प्रस्ताव में पास की थी उन मांगों को हम लेकर यहाँ से जाएंगे। खट्टर सरकार ध्यान में धर ले, फसल को सीएम के आवास का घेराव कर दिया जाएगा, परमानेंट धरना लगा दिया जाएगा। हम सरकार पे अपने हक मांगने के लिए निकले हैं। एमएसपी की गारंटी हमारे पास ऊपर लगे जो केस वापसी, एक बच्चा के स्कूल खोलने के लिए इनकी रैलियां बंद नहीं हो रही, बच्चा के स्कूल बंद है। दूसरी बात, हमें सरकार पे अपने हक मांगा लेकर खराब फसल का पूरा मुआवजा। एक खट्टर सरकार हमारे साथ वादा करती है फिर मुकर जाती है, हमने इस पे 1% यकीन नहीं। या तो खट्टर बाहर निकले, हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो हमारा आंदोलन दूसरी बार शुरू हो जाएगा। जायज मांगे हैं उसको सरकार जल्दी से जल्दी हल करे, नहीं तो कोई मजबूत एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, वो भी मांगे काफ़ी हैं। इसके अलावा काफ़ी नहरी पानी की मांग है, सबसे बड़ी मांग कपास के मुआवजे की है। वो सरकार ने घोषणा कर दी पर अब तक अकाउंट में नहीं आया, और जो पंजाब का मुआवजा 17,000 रुपये था उससे कम 1 रुपया भी कम मंजूर नहीं है, उतना मुआवजा देना पड़ेगा। और ये सारी मांगे जो किसान लेके आए हैं इनको मानना पड़ेगा और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे।